हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट। एक पार्ट मैंने बना दिया था, कल मैंने वीडियो अपलोड किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट वन, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में हाइड्रोकार्बन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स, जो मेनली आप लोगों को पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन्स, इसके बारे में बहुत पूरा डीप में स्टडी करेंगे हम लोग आज। उसके बाद जो अगला पार्ट होगा हम लोग का, वो होगा नॉमेनक्लेचर का, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें भी कोई दिक्कत आएगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखो नाम से क्लियर है, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन करता हो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग, समझना आप लोग, कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स, यानी कोई भी कंपाउंड हो जिसमें हाइड्रोजन हो और केवल कार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो केवल, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? कार्बन, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन, आ रहा है समझ में? यानी कि कोई भी कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन हो और कार्बन हो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बातचीत करूं, एग्जांपल ले लूं मैं CH4, ये भी क्या हमारा एक हाइड्रोकार्बन, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ऐसे ही C2H6 ले लो, ये भी क्या हमारा, ये भी एक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें एक कार्बन भी और हाइड्रोजन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, C2H4 ले लो, ये भी क्या है हमारा, हाइड्रोकार्बन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका नाम क्या है? मीथेन। अभी नॉमेनक्लेचर में आपको पढ़ाऊंगा अगले पार्ट में, तो क्लियर हो जाएगा नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। मीथेन हो गया, दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन हो गया, ये इथिन हो गया। बताऊंगा कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, उसका टेंशन मत लेना, बस इतना समझो ये क्या हमारे हाइड्रोकार्बन से, कार्बन भी और इसमें हाइड्रोजन भी है। कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को मेनली ये पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने पार्ट में? दो पार्ट में। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, बहुत अच्छे से समझना है इसको। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक एक को समझाऊंगा टेंशन मत लेना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि आपको पता, मैं जो भी चीज़ें पता पूरा बेसिक से पढ़ाता हूँ, जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना वो भी जान जाएगा इस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। दूसरा क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन मतलब यानी कि रिंग कह सकते हैं इसे, क्या कहते हैं? रिंग चेन या फिर रिंग हाइड्रोकार्बन भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें देखा जाए तो होमोसाइक्लिक आ जाएगा और हेट्रोसाइक्लिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? होमोसाइक्लिक एंड
एंड हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो मेनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम क्या पढ़ते हैं, एल्केन्स को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, एल्केन्स को, यानी सिंगल बॉन्ड को, ठीक है। अनसैचुरेटेड में बेसिकली हम लोग एल्कीन और एल्काइन को पढ़ते हैं, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। एल्कीन यानी डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं और एल्काइन्स ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है। मेनली हम लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मैं एक एक चीज़ को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को, एल्केन एल्कीन एल्काइन को अच्छे से आपको पूरा जनरल फॉर्मूला से लेकर के स्ट्रक्चर सारा कुछ अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करिएगा। हम लोग मेनली बात करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले बातचीत कर लें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम क्या पढ़ते हैं, एल्केन्स को पढ़ते हैं, आप समझना। द हाइड्रोकार्बन इन विच, या फिर हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन इज कनेक्टेड, या फिर कार्बन इज बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड, या फिर कार्बन इज कनेक्टेड विथ सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलेंगे उसे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। डेफिनेशन लिखने की बहुत ज़रूरत है नहीं, या फिर लिख सकते हैं, अ हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर, इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाई वनली सिंगल बॉन्ड्स इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन क्या हो, कार्बन के एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, तो हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स कहेंगे, ठीक है। यानी कि जो इनका नेमिंग जो करते हैं, तो इसमें प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स ए एन ई लगाते हैं। यानी कि नेमिंग करेंगे इसका तो लास्ट में ए एन ई लगाते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है। नाम कैसे लगाएंगे, ए एन ई, प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं, ए एन ई लगाते हैं, क्लियर हो रहा है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बातचीत करूं, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो CH4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बना लो, क्या बन जाएगा, एक कार्बन चार हाइड्रोजन, CH4। ये क्या है, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। CH4 क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन एटम क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। आपको ये चीज़ समझना है यहाँ पे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो कैसे भी करके हाइड्रोजन लगा कर हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, यानी सिंगल बॉन्ड से भी क्या हो रहा है, वैलेंसी सेटिस्फाई हो जा रही है, 1, 2, 3 और 4 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो जा रही है, क्लियर। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी देखो वहाँ पे 1 सेटिस्फाई हो जा रही है, यानी सिंगल बॉन्ड ही लगेगा। ये हमारा किस में आएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा, क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एल्केन का एक जो जनरल फार्मूला होता है उसकी मैं बातचीत करूँ तो क्या होता है बच्चों, CnH2n+2। जनरल फार्मूला याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आप कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। कैसे, मान लो एक का एग्जांपल मैंने सैचुरेटेड का CH4 दे दिया, अगला क्या बना सकते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो n की जगह 2 रख दो, 2 कार्बन एटम, C2H2 × 2 + 2, तो क्या हो जाएगा, C2 2 × 4 = 6, यानी C2H6। अगला कंपाउंड क्या बन गया, C2H6। इसका स्ट्रक्चर बना के देख लो कि ये सिंगल बॉन्ड आएगा, एल्केन होगा कि नहीं होगा, उससे भी चेक कर सकते हैं आप। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, 2 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखो बैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई, यानी स्ट्रक्चर C2H6 का ये सही है, यानी C2H6 भी क्या हुआ हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आया, एल्केन में आया। यानी बहुत सारे फॉर्मूला आप इससे बना सकते हैं, C3 रख दो, H2 × 3 + 2 करके नया कंपाउंड बना लो, C4 रख दो ऐसे, यानी कि पूरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। ये रहा हमारा एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड के बारे में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बातचीत हो गई, क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम पढ़ते हैं, इसमें आता है एल्कीन एल्काइन। टेंशन मत लिया, समझ में सब समझ में आएगा, ठीक है। एल्कीन को पहले देख ले, एल्कीन का मतलब क्या, द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड
विद डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड उसे हम क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यानी कह सकते हैं द हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन भी आता है, एल्काइन भी आता है। एल्कीन की हम लोग बातचीत करें तो यानी डबल बॉन्ड वाले, यानी कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन एटम डबल बॉन्ड से क्या हो, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। और जब कार्बन एटम किसी भी हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो उसे हम क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। अब समझो एल्कीन का मतलब क्या, इसके प्रीफिक्स में क्या होता है, ई एन ई होता है। यानी नोमेनक्लेचर करेंगे तो लास्ट में ई एन ई लगाएंगे, जब नोमेनक्लेचर करेंगे नामकरण करेंगे तो क्या लगाएंगे, लास्ट में ई एन ई लगाएंगे। क्लियर हुआ, यानी कि डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा वहाँ हम क्या लगाएंगे, ई एन ई लगाएंगे। क्लियर हुआ, गर्मी बहुत है ना, कोई बात नहीं। चलो अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला की मैं बातचीत करूँ तो क्या होता है, सी एन एच टू एन। एल्कीन के जनरल फॉर्मूला का क्या होता है, सी एन एच टू एन होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आप लोग एल्कीन का कोई पहला कंपाउंड बना के बताइए, आप लोग एल्कीन का कोई पहला कंपाउंड बना के बताइए, बता सकते हैं आप लोग। चलो मैं बताता हूँ, C2H4। ये क्या हमारा एल्कीन का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ये है, इससे हमने एक कंपाउंड बनाया। चलो इसको देख लेते हैं एल्कीन है कि नहीं है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, डबल बॉन्ड आ गया, समझ जाएंगे क्या है, एल्कीन है ये हाइड्रोकार्बन। यानी दो कार्बन, हाइड्रोजन कितना, चार है, यानी कि 1, 2, 3। वीडियो पूरा देखना तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4 आप देख रहे हैं कार्बन की बैलेंसिंग सेटिस्फाई, चार नहीं हो पा रही, 1, 2, 3 हो जा रहा है। यानी कि एक और बॉन्ड लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया, 1, 2, 3, 4 ये हो गया, यानी कि बैलेंसिंग सेटिस्फाई हो गया। हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ा है, डबल बॉन्ड आया तो क्या हुआ, ये हमारे एल्कीन में आया। यानी C2H4 क्या है भाई, एल्कीन में आएगा हमारा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले से कंपाउंड बना सकते हैं, पहले ये बन गया, मान लो हमने क्या बनाया, C3H, यानी कि 3 रख दिया, 2 × 3 क्या हो जाएगा, C3H6। ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी एक कंपाउंड बन गया जो किस में आएगा, ये हमारा आ जाएगा एल्कीन में, ये भी डबल बॉन्डेड होगा। तो स्ट्रक्चर बना के देखिएगा आप लोग, इसमें भी डबल बॉन्ड आएगा आपका, ठीक है। चलो ये अनसेचुरेटेड में कौन आएगा, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन आएगा। एल्कीन के बारे में आपने जान लिया, ऐसे होगा, ठीक। अब नाम भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नॉमेनक्लेचर में बताऊंगा आपको। देखो दो कार्बन एटम क्या पढ़ेंगे, एथ, ठीक, डबल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या बताया था मैंने, लास्ट में ई एन ई लगा दो, क्या हो जाएगा, इथीन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर हुआ, इसकी बातचीत करो, तीन कार्बन एटम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीन कार्बन के लिए प्रोप, नॉमेनक्लेचर बताऊंगा टेंशन मत लो, और लास्ट में क्या लगा देना, डबल बॉन्ड है तो ई एन ई, यानी इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपीन हो जाएगा। क्लियर हुआ, मैंने एल्केन के लिए नाम नॉमेनक्लेचर नहीं बताया, उसको बता दो, जैसे CH4 था हमारा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या था, ऐसे था, 1, 2, 3, 4। यानी एक कार्बन के लिए मैं मेथ बोलूँगा, मेथ पढ़ाया था, और सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन, यानी इसका नाम क्या होगा, इसलिए छोर का मेथेन हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा, आगे टेंशन मत लेना, ठीक है, अगला वीडियो जो आएगा नॉमेनक्लेचर पे आएगा। आए समझ में एल्कीन क्या होता है। हम लोग एल्काइन की बातचीत कर लेते हैं, अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं एल्काइन बाबा की, ठीक है। एल्काइन का मतलब क्या, द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज एल्काइन्स, ठीक है। यानी कि इसके इसका जो नॉमेनक्लेचर करेंगे, इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, वाई एन ई लगाएंगे, यानी प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे बच्चों, वाई एन ई लगाएंगे। जनरल फार्मूला की बातचीत कर लो तो क्या होता है इसका, CnH2n-2। अब एल्काइन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल कोई मेरे को देख के बताया कि एग्जांपल क्या हो जाएगा, C2H2। जो पहली फैमिली है एल्काइन की वो क्या है, C2H2 है। नहीं भरोसा तो स्ट्रक्चर बना के देख लो, C2H कितना है, 2, यानी वह इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। अब बताओ कार्बन की बैलेंसिंग चारों दिशा सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, 1, 2 हो रहा है, आप क्या करेंगे, दो और लगा लें तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1, 3, 4, 3 और 1, 4, यानी कार्बन की बैलेंस यहाँ भी सेटिस्फाइड, यहाँ भी सेटिस्फाइड। क्लियर हो रहा है, यानी कि क्या हुआ बच्चों, हमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ा बैलेंसिंग सेटिस्फाई करने के लिए, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो किस में आ जाएगा हमारे, हमारे एल्काइन में आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन मतलब क्या, एथ, और लास्ट में क्या लगा देंगे, वाई एन ई, क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको, मुझे पता है। अच्छा अगला कंपाउंड इससे क्या बना सकते हैं, पहला कंपाउंड तो ये, यानी C3H, एन की जगह 3 रख दो, यानी 2 × 3−2। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो पकड़ना मेरे को, ठीक है, वीडियो थोड़ा स्लो करके देख लेना, लेकिन समझ में आएगा जरूर। ये कितना हो जाएगा भाई, C3 3×6−2 कितना हो जाएगा, 4।
क्या हो जाएगा C3H4, क्या हो जाएगा C3H4 स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड जरूर रहेगा यहाँ पे क्योंकि मैंने फॉर्मूले से ये बनाया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन मतलब कि प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड यानी वाई यानी प्रोपाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्रोपाइन हो जाएगा। नोमेनक्लेचर अगला पार्ट जो कल होगा नोमेनक्लेचर होगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और कहीं से कोई दिक्कत आती है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप आपको पता है व्हाट्सअप नंबर है 9412687328 हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार बच्चों के लिए मैं पूरा हमेशा ऑलरेडी तैयार रहता हूँ।